हेलो गाइस, आज का वीडियो हम लोग का होने वाला है कि हम लोग कैसे पॉलिनोमियल फंक्शन अगर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, जैसे कि एग्जांपल ये बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो आईआईटी जेई के लिए भी आते हैं और जो जेई एडवांस में भी, जेई एडवांस में भी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा करके सेम इसी टॉपिक बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक सीख लीजिए, और बोर्ड में भी आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। तो यहाँ पे मान लीजिए ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, कोई भी जनरल एग्जाम्पल, और नीचे है फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर, मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऊपर जो है न्यूमिनेटर का डिग्री क्या है, टू, ठीक है, डिग्री इज टू, मतलब हाइएस्ट क्या है, डिग्री ऊपर में टू है, इसका टू है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का जो डिग्री है अगर सेम है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों का डिग्री अगर सेम है, तब हम लोग डायरेक्ट अगर लिमिट कोई पूछे तो क्या करेंगे, इसका जो कॉफिशियंट होगा, ये जो हाईएस्ट डिग्री है न्यूमरेटर का, उसका कॉफिशियंट 1 डिवाइड बाई इसका कॉफिशियंट डेट इज 4, 1/4 हमेशा आंसर होगा ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। 1/4 नहीं, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा उसका कॉफिशियंट क्या, कॉफिशियंट को बस डिवाइड में लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए फटाक से एकदम लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ, एक्स टू दावर 4 - 3x³ प्लस 2x² प्लस 6x - 1, कुछ भी ले ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जनरल कोई भी एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो गया 4x⁴, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए माइनस ले लीजिए, माइनस का भी केस देख लेता हूँ, प्लस 3x³ प्लस 2x² -5x प्लस 1, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोई भी एग्जाम्पल ले लिए, तो हमें क्या देखना है, बस कॉफिशियंट देखना है। तो यहाँ पे माइनस को भी लेंगे साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर तो 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है और नीचे में क्या है, -4 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 -1/4, यही हो गया जनरल, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग 5 कर देते इसी क्वेश्चन में तो क्या हो जाता, यहाँ पे हो जाता -1/5, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ भी माइनस साइन लगा रहे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, 1/5 हो जाता, ठीक है। तो ये चीज एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कीजिए और ये चीज को याद रखिएगा, ये सब शॉर्ट ट्रिक बहुत ज्यादा काम आते हैं, बहुत ज्यादा, जब आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है तो इसमें बहुत ज्यादा काम आते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि ये सेम नहीं रहा, ये जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री है वो सेम नहीं रहा, मान लीजिए क्वेश्चन रहा 4x+3 / 3x² + 2x, ठीक है, +3। तो इसमें क्या है, डेनोमिनेटर का पावर क्या है, ज्यादा है। तो इसमें ऐसे जो केस है इसमें हमेशा वैल्यू जीरो आएगा, लिमिट का वैल्यू कितना आएगा, जीरो। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमेशा ये वैल्यू जीरो ही आएगा, ठीक है। कैसे आएगा वो मैं बतलाता हूँ आपको। तो लिमिट जब एक्स टेंस टू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी रहना चाहिए। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी केस मैं बतला रहा हूँ सब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी के लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, ऐसे लिमिट को सॉल्व करने के लिए जो हाईएस्ट डिग्री है उससे डिवाइड कर लेंगे। मतलब आप समझे यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हाईएस्ट डिग्री है उससे आप डिवाइड कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। आप क्या कर लीजिए यहाँ पे, उससे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। इतना चीज क्लियर है आपको। तो यहाँ पे देखिए ऊपर कितना है, 4, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4/x, क्या आप लिख सकते हैं, इसमें जो है क्वेश्चन क्या वो आप लिख सकते हैं कि 4/x² 4x/x² क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है ये हाईएस्ट है, ये क्या है, हाईएस्ट है, तो इससे आप 4x में डिवाइड देंगे, ठीक है। और ऊपर में भी वही 3/x², क्योंकि आप एक्स स्क्वायर को जब डिवाइड दे रहे हैं तो दोनों में देंगे, दोनों अलग अलग सेपरेट भी लिख सकते हैं लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी वही करना है, 3x² / x², ठीक है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, ठीक है। बस एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी हो गया, अब उसके बाद प्लस 2x/(अगेन x²), फिर 3/(अगेन x²। इतना चीज क्लियर है आपको। अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 4x/(x²) कितना आता है, 4/x आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/(x²), 3/(x² कितना हो जाएगा, 3/(x² ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, लिमिट
एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी डिवाइड बाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे थ्री बचा, प्लस यहाँ पे एक्स और एक्स स्क्वायर कैंसिल, टू बाई एक्स बचा, प्लस थ्री बाई एक्स स्क्वायर बचा। अच्छा तो अब एक चीज बताइए कि अब x की जगह पे हम लोग इन्फिनिटी पुट करते हैं तब क्या होगा, तो 4 बाई इन्फिनिटी जीरो, ये कितना हो जाएगा जीरो, 3 बाई इन्फिनिटी जीरो, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, ठीक है, तो यहाँ पे 3 बाई इन्फिनिटी जीरो, यहाँ पे 3 ही रह जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ पे, जीरो बाई थ्री हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी जीरो। तो इसका जो केस है ना ये वाला, नीचे अगर डेनोमिनेटर ज्यादा है, ठीक है, नीचे अगर डेनोमिनेटर ज्यादा है तो हमेशा हर केस में ये चीज दिमाग में आप बैठा लीजिए, हर जगह काम आएगा कि इसका वैल्यू हमेशा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अगर डेनोमिनेटर का क्या है डिग्री ज्यादा है तो हर केस में लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी केस में हमेशा जीरो आएगा, और बराबर है तो आप कोफिशियंट को लिख दीजिए, ठीक है, बस आपको इतना ही करना है। अब देखिए अगर हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक में मान लीजिए ये चीज तो हो गया कि अब डेनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा है तब ठीक है, अब न्यूमेरेटर का डिग्री ज्यादा है तब क्या करें हम लोग, ठीक है, ये भी चीज तो आपको दिमाग में आना चाहिए ना कि नहीं सर बतला रहे हैं कि नहीं ये ऐसा है, तो आप खुद से दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं अगर न्यूमेरेटर ज्यादा है तब क्या करेंगे, तो सर उसका भी जवाब दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे बतला रहा हूँ, ठीक है, अगर न्यूमेरेटर ज्यादा है मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3 डिवाइड बाई यहाँ पे 2x प्लस 1 ऐसा कोई एग्जाम्पल है तब क्या करें, इसमें क्या है और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू है, ठीक है, लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे कि हमेशा एक्सटेंस टू इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपको ना बोलूँ तभी समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है, मतलब न्यूमरेटर क्या है ज्यादा है, इस केस में क्या है न्यूमरेटर ज्यादा है, अगेन हम लोग क्या करेंगे 3x स्क्वायर को डिवाइड देख, मतलब यहाँ पे x स्क्वायर को डिवाइड दीजिए, और ये करके जब आप देखेंगे तो इससे केस उल्टा हो जाएगा, इसमें 0 बाई 3 आया था ना, अगर ऐसा केस हो तब मान लीजिए यही क्वेश्चन हो तो 3 बाई 0 आ जाएगा, मतलब क्या है इस केस में अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है तो इस केस में हमेशा क्या है लिमिट इन्फिनिटी आएगा, मतलब लिमिट इन्फिनिटी, तो लिमिट क्या होता है इन्फिनिटी, इसका हमेशा इन्फिनिट होगा लिमिट, मतलब क्या जो एग्जिस्ट जो आंसर होगा वो नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्फाइनाइट आ रहा है आंसर हमारा, तो ये चीज को आप दिमाग में रखिएगा। चलिए इसको दिखला ही दे रहा हूं मैं, 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर को जब आप x स्क्वायर से डिवाइड देंगे प्लस 2x डिवाइड बाय x स्क्वायर को डिवाइड देंगे प्लस 3 डिवाइड बाय x स्क्वायर से आप डिवाइड देंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है 2x बाय x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर, ठीक है। अब यही है सिंपल चीज, तो ये देखिए ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और वो उधर ही ठीक है, ये और ये कैंसिल और ये भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है, 3 प्लस ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 2 बाई एक्स है, 2 बाई इन्फिनिटी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, फील आना जरूरी है, ठीक है, विजुलाइज होना जरूरी है, ठीक है, मैथ्स में बिना विजुलाइजेशन का काम नहीं चलेगा। यहाँ पे 3 प्लस 0 डिवाइड बाई क्या है 0 प्लस 0, तो यहाँ पे 3 बाई 0 हो गया, 3 बाई 0 का वैल्यू कितना होता है ये बताइए आप, 3 बाई 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इन्फिनिटी, मतलब लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो शॉर्ट ट्रिक है आप अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों का फायदा हो सके, क्यों, बस ठीक है, राधे राधे।